हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है। आपके इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई है ना। काफ़ी दिनों से आपको लिटरेचर का इंतज़ार था। एक्चुअली क्या होता है कि लिटरेचर जब एग्ज़ाम आता है तभी स्टूडेंट्स ज़्यादा पढ़ते हैं, है ना। उसके पहले पढ़ते नहीं हैं, तो इस वजह से वीडियोज़ पे व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो अभी चूँकि माहौल बन चुका है, एग्ज़ाम आने वाला भी है आपका, है ना, पटवारी भी आ गया है, तो अब हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो डायरेक्टली आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए और चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज आपका जो सिलेबस है वो तो आपने देख ही रखा होगा, आपको वैसे भी पता होगा, है ना, सिलेबस तो आपको बहुत अच्छे से पता रहता है। तो सिलेबस में जो इंग्लिश लिटरेचर आपका ग्रेड वन का है, उसमें सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब इसके बारे में लास्ट टाइम अगर आपने पेपर दिया हो तो लास्ट टाइम अपने यहाँ से काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट हुए थे ग्रेड वन में। मैं आपको बीच बीच में वीडियोस में बताऊंगा भी सही कौन कौन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, उससे आपका थोड़ा सा आप मोटिवेट भी रहेंगे, आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। अब सबसे पहला देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि किसी भी चीज़ की तैयारी बिल्कुल प्लानिंग से होती है ना। ऐसे कुछ भी उठा के पढ़ेंगे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहला ही आपका जो चैप्टर है ये मैंने लिया है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि प्राइड एंड प्रेजुडिस क्या है। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ यूनिक नॉवल रिटन बाय जेन ऑस्टिन। ये जेन ऑस्टिन है ना। इनके बारे में डिटेल में हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अ रोमांटिक फिक्शन, ये एक फिक्शन है ना, जैसे कि आपके फिक्शन वाली कैटेगरी में आता है। और कौन सा फिक्शन है? रोमांटिक। इसमें पूरा रोमांस है, शादियाँ वादियाँ होगी, है ना, लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे से रूठेंगे, है ना, फिर उनको मनाएंगे। जैसे आप कई सारी मूवियाँ जब हम 1990 के दशक में हम मूवियाँ देखते थे, है ना, दिल वाले, दिल जले, है ना, तो उस वो किस टाइप की मूवी होती थी? रोमांटिक, है ना। जैसे कि वो उससे प्यार करता था, उसके बाद में वो उसको जो है कुछ भी कह देती है किसी की बातों में आके, फिर वो जाके शाम जो है वो क्या बन जाता है? शाह, समझ गए। तो इस टाइप की रोमांटिक मूवी है ना, दिल वाले, दिल वाले में वो पागल ही हो जाता है, ठीक है। तो इसी टाइप की रोमांटिक विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1813। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विच वॉज पब्लिश्ड, तो ये जो विच वॉज पब्लिश्ड है ये आपका पैसिव फॉर्म होता है। देखिए मैं आपको बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, है ना, ये आप ध्यान रख, ये सुनते रहिएगा। ये जो वॉज पब्लिश है ना, ये पैसिव वॉइस है। ये किसका पैसिव वॉइस है? ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म का पैसिव वॉइस है। कभी भी आपके पास में जैसे आता है राम किल्ड रावण, तो आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी अगर क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर आपके लिटरेचर से ज़्यादा आएगी, ये भी बता दूंगा मैं। लास्ट टाइम पे 60 नंबर की ग्रामर आई थी, है ना, और 40 नंबर का लिटरेचर आया था, है ना, 40 से 45 नंबर का लिटरेचर था और 60 नंबर की ग्रामर थी, क्योंकि 8 नंबर का उधर कॉमन में से भी आता है, ठीक है। तो वॉज पब्लिश जो है ना, ये पैसिव है। पैसिव मतलब कि यहाँ पर नॉवेल की बात हो रही है, तो इसलिए हम ये नहीं लिख सकते कि नॉवेल पब्लिश्ड, बिकॉज नॉवेल पब्लिश नहीं होता है, नॉवेल को पब्लिश किया जाता है। तो नॉवेल वॉज पब्लिश्ड, तो ये आपका पैसिव वॉइस होता है। जैसे राम किल्ड होता है, उसी टाइप से आपका इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें रावण वॉज किल्ड लिखा जाता है, क्योंकि राम ने मारा है लेकिन रावण को मारा गया है। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ में आया होगा। कब पब्लिश हुआ था? 1813, ये आपको याद रखना है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ नॉवेल ऑफ मैनर। अब नॉवेल ऑफ मैनर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, नॉवेल ऑफ मैनर क्या होता है? तो नॉवेल ऑफ मैनर का मतलब ये होता है, ये एक एग्जाम्पल है। ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है ये नॉवेल ऑफ मैनर का एक एग्जाम्पल है। तो नॉवेल ऑफ मैनर का अर्थ होता है कि विच ऑफर्स अ ग्लिम्स इनटू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इन इंग्लैंड। मतलब कि वहाँ का जो सोशल कल्चर है ना, जैसे कि इसके बारे में थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, है ना, इसके बारे में भी पूछा जाता है। देखिए लास्ट टाइम आपने देखा होगा क्या क्या पूछा गया था, बहुत कुछ, बहुत डीप में से, है ना, तो सारा आपको पढ़ना है ना, और सारा हम लोग पढ़ेंगे, आप बस पढ़ते रहिए। तो सबसे पहले बात करें कि नॉवेल ऑफ मैनर्स का मतलब क्या होता है। तो नॉवेल ऑफ मैनर्स इज़ अ वर्क ऑफ फिक्शन दैट रिक्रिएट्स अ सोशल वर्ल्ड। आप अभी जो है, अभी हम लोग रहते हैं समाज में, हमारे जैसे एक बात बताओ, एक छोटी सी बात समझाता हूँ मैं आपको। अभी अगर आपके फूफा जी हैं, ठीक है, वैसे ही बहुत गुस्से में रहते हैं हमेशा, बहुत मनाना पड़ता है। अगर उनको आपने शादी का कार्ड नहीं भेजा, ठीक है, उनको बस इतना बोल दिया कि हाँ फूफा जी शादी में आना है अपने, है ना, आ जाएंगे शादी में, बोलेगा पत्रिका तो दी नहीं। और पत्रिका मान लो आपने दे भी दी ना, ऊपर अगर सपरिवार ने लिखा तो भी नहीं आएंगे। मान लो पत्रिका दे दी ने, फूफा जी का नाम नहीं लिखा ना, उनके बच्चे का नाम लिखा, तो भी नहीं आएंगे,
ऐसा क्यों भाई, आ जाना चाहिए था। कैसी बात कर दी हमने, कैसे आ जाएंगे भैया। भैया सोशल वर्ल्ड है ना, सामाजिक इज्जत है हमारी, तो उसी टाइप से वहाँ नॉवल ऑफ मैनर्स का मतलब कि उस समय इंग्लैंड में किस टाइप का कल्चर था, किस टाइप के लोग थे। जैसे कि आज भी होता है ना कि भैया ये हमसे, इसके पास पैसा कम है, अपने पास ज़्यादा है, मैच नहीं करेगा यार, है ना। गरीब की शादी कहाँ होगी, गरीब के घर ही होगी, और गरीब ये चाहेगा कि गरीब के ही घर हो, क्योंकि अमीर के घर देंगे तो वो छोरी ताने सुनती रहेगी। तो यहाँ पर फिक्शन दैट रिक्रिएट्स अ सोशल वर्ल्ड कन्वेइंग विद डिटेल्स ऑब्जर्वेशन द कस्टम्स। कस्टम मतलब रिवाज, क्या रिवाज है ना। शादी के टाइम पे सात फेरे घूमना है ना, इसके बाद फिर वहाँ पे तोरण मारने जाना है, ये सब। वैल्यूज़ क्या है, मतलब वैल्यूज़ मतलब किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। इसके अलावा एंड मोर ऑफ अ हाईली डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, तो वहाँ की उस समय कैसी सोसाइटी थी, ये सब उस नॉवेल में बताया गया है। कैसे लोग थे, क्लास मैटर करता था कि नहीं करता था, अगर कोई पैसे वाला है और कोई गरीब है तो दोनों में कंपेयर किया जाता था कि भैया ये ऐसा है तो इसकी लड़की है तो शादी नहीं करेंगे, ये सब मैटर करता था। द कन्वेंशन ऑफ द सोसाइटी डोमिनेट द एक्शन ऑफ द स्टोरी, तो ये जो स्टोरी है ये पूरी इसी के ऊपर डिपेंड है। एंड कैरेक्टर्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय द डिग्री टू विच दे मीट और फेल टू मीट द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड और आइडिया ऑफ बिहेवियर एस्टेब्लिश्ड बाय सोशियोटिकल कन्वेंशन। मतलब कि पूरा जो सोशल जो भी था वहाँ पर उस समय, क्या क्लास, क्या कस्टम्स, क्या वैल्यू, उसको हम बोलते हैं नॉवेल ऑफ मैनर्स। तो ये स्टोरी जो है ये पूरी उसी पे बेस्ड है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद देखिएगा, अब इस कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन हीरो है हमारा, वो हीरो कौन है, डार्सी। ये जो मिस्टर डार्सी है ये मेन हीरो है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो उस कहानी का जो मुख्य पात्र होता है, जिसके ऊपर पूरी कहानी चलती है ना वो। और ये जो अब यहाँ पर देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो एक तरह से मैं कहूँगा कि ही इज़ फुल ऑफ प्राइड एंड शी इज़ फुल ऑफ प्रेजुडिस। मतलब कि इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस जो इसकी थीम रखी गई है वो किस बेस पे रखी गई है, वो इन दोनों के बेस पे रखी गई है। ये कौन है, ये है एलिजाबेथ। बेनेट फैमिली जो है उसकी, जो मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, उनकी डॉटर, और ये भी इस मूवी की, इस स्टोरी की, इस नॉवेल की हीरोइन है। तो इसलिए जो मिस एलिजाबेथ है ये फुल ऑफ प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब बहुत ही मर्सीफुल है, दयावान है ना, बहुत मतलब एक तरह से इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है, जस्ट ऑपोजिट नेचर है। इसका नेचर कैसा है, ये थोड़ा सा प्राउडी है ना, ये पॉम्पस है थोड़ा सा, मतलब पैसा भी है तो उस हिसाब से। हालांकि धीरे धीरे कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे आगे। तो अगर बात करें प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये जो हीरो है मिस्टर डार्सी और जो हीरोइन है एलिजाबेथ, इन्हीं दोनों के से लिया गया है। फुल ऑफ प्राइड, प्राइड का मतलब होता है सेल्फ इस्टीम, डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। ये सब मेन मैटर आपके लिए निकाल के मैंने नोट्स बनाए हैं, है ना, ये सब मैंने ही मेरे ही हाथों से पूरा डिज़ाइन किया है व्यवस्थित, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि मैं किसी भी काम को अगर करूँगा तो ये है कि उसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बेहतरीन ही करेंगे, है ना, लोकल काम नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं, अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, है ना। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो एक नॉवेल है, और नॉवेल ऑफ मैनर है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद ये 1813 में पब्लिश हुआ था। किसने लिखा था, जेन ऑस्टिन ने। इन्होंने और भी कई सारे नॉवेल लिखे हैं, तो इनके बारे में जब हम चर्चा करेंगे बाद में, पूरा एक वीडियो बनाएंगे तब उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नॉवेल ऑफ मैनर्स क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि इसमें प्राइड एंड प्रेजुडिस को नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें हीरो हीरोइन इन दोनों के बारे में बात की गई है पूरी स्टोरी में। इसके आगे अगर बात करें तो ये स्टोरी देखिए जब शुरू होती है ना, द स्टोरी बिगिंस विथ अ फेमस लाइन ऑफ दिस नॉवेल। अब आपसे एग्जाम में क्या है, कोटेशन पूछे जाते हैं कि ये जो बात है, क्या बात है, कि इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नोलेज दैट अ सिंगल मैन इज पजेसिव ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन वॉन्ट इफ वॉन्ट ऑफ अ इन वॉन्ट ऑफ अ वाइफ। ये जो कोटेशन है ये कौन सी नॉवेल से है, तो आपको बताना है कि भैया ये प्राइड एंड प्रेजुडिस का नॉवेल है। जब कहानी शुरू होती है तो उसी समय जो है जेन बेनेट ने ये कोटेशन उसमें लिखा था, और क्या था वापस सुनिए कि देखिए ऐसा होता है कि इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्स, ये बिल्कुल एक सत्य घटना है, सच सार्वभौमिक कथन है कि अ सिंगल मैन इज पजेसिव ऑफ अ गुड फॉर्चून,
मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ अ वाइफ, अगर आपको वाइफ चाहिए, पत्नी चाहिए, तो उसके लिए आपका जो फॉर्चून है क्या देखा जाता है? बोले कि लड़का क्या करता है? बोले सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी है भाई, ले आओ नारियल वगैरह, मिठाई विठाई लग के लाए थे ना तुम, उसकी मम्मी को इशारा करेंगे, ले आओ। बोले लड़का तो देख लो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, रखो लड़का देख लो। लड़के से लो, मैं ऐसा हूँ जो क्या तुमको पसंद नहीं आया था क्या? बोले मेरे को तो कोई पसंद नहीं आया था, मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती कर दी थी। तो देखा क्या जाएगा? फॉर्च्यून। अगर आपकी सरकारी नौकरी है तो आप कैसे हैं ये मैटर नहीं करता है। फॉर्च्यून, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपका भविष्य अच्छा होना चाहिए, है ना? तो आजकल समय बदल चुका है। तो ये एक कोटेशन है, ये याद रखिएगा, आप इससे ही याद रख सकते हैं वाइफ से, कि ये प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है। ये मैंने इसलिए दिया आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद में सबसे पहले बात करें इस स्टोरी की, तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी द बेनेट फैमिली, बेनेट फैमिली ये आपकी पूरी बेनेट फैमिली है, मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट, इन मिसेस बेनेट के 5 डॉटर हैं, है ना? एलिजाबेथ भी इनमें से एक है जिनके ऊपर पूरी स्टोरी है। ये चाहती है कि मेरी इन 5 बेटियों की जो है शादी हो जाए, हाँ बढ़िया अच्छी जगह शादी हो जाए, एक माता यही चाहती है। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी द बेनेट फैमिली लिव एट देयर लैंगबोर्न इस्टेट सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ मैरीटॉन इन हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड। ये जगह का नाम है, याद रखिएगा। कहाँ पे रहते थे वो? लॉन्गबर्न में, लॉन्गबर्न इस्टेट है ना। ये कहाँ पे था? ये मैरीटॉन जो कि हर्टफोर्डशायर में था, इंग्लैंड में। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पूछा जा सकता है। मिसेस बेनेट्स ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू मैरी ऑफ हर 5 डॉटर्स इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर फ्यूचर। मतलब मिसेस बेनेट जो है वो बस ये चाहती थी कि मेरी बेटियों का विवाह हो जाए बढ़िया जगह, और मुझे कुछ चाहिए नहीं इसके अलावा ज़िंदगी में। द अराइवल ऑफ मिस्टर बिंगले। अब क्या होता है कहानी में, इनके पास में पड़ोस में जो एक जगह का नाम है नेदरफील्ड, यहाँ पे आते हैं मिस्टर बिंगले जो कि बहुत ही रिच पर्सन है। इनको पता चलता है कि बहुत पैसे वाला आदमी है ना, बैचलर है, हु रेंट्स द नेबरिंग नेदरफील्ड, जो कि यहाँ पे नेदरफील्ड में रुका हुआ है। तो ये जो मिसेस बेनेट है ये मिस्टर बेनेट से कहती है कि आप एक काम करिए कि आप वहाँ जाइए, है ना, और उनसे चर्चा वर्चा कीजिए, कभी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गिव्स हर होप दैट वन ऑफ हर डॉटर्स माइट कॉन्ट्रैक्ट एन एडवेंचरस मैरिज बिकॉज इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्स। देखो अभी आया ना, एक्नोलेज दैट इज अ सिंगल मैन इज पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्चून मस्ट बी अ वॉन्ट ऑफ अ वाइफ। मतलब कि आप वहाँ पर जाइए नेदरफील्ड में और जो है आप बातचीत करिए, अगर इनमें से किसी भी लड़की का जो है, वैसे तो चाहते हैं किसका है, जो सबसे बड़ी बेटी है, इनकी सब 5 बेटियाँ हैं, तो सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम है जैन बेनेट, तो कि उसकी अगर शादी हो जाए मिस्टर बिंगले से तो काम बढ़िया जम जाए। अब ये जो मिस्टर बिंगले है ये प्रोटैगनिस्ट नहीं है, ये कहानी का हीरो नहीं है। कहानी का हीरो तो कौन है? इसका दोस्त। नाम क्या है? मिस्टर डर्सी। तो वो जो इनका दोस्त है वो अभी आगे मिलाएंगे आपको, है ना, उसकी मुलाकात करवाएंगे आपके मिस एलिजाबेथ से, ठीक है। लेकिन बात किसके लिए जा रही है अभी? जैन जो बड़ी बेटी है, सबसे पहले किसकी शादी कराएंगे? हैं, छोटी की थोड़ी करा देंगे, छोटी करा देंगे तो बड़ी की कितनी दिक्कत आएगी। बोले कि यार इसकी हो गई तो इसकी क्यों नहीं हुई, कुछ गड़बड़े लोग तुमको पता नहीं कैसे कैसे हैं, अब तुमको सब पता होगा, क्या बताएं। अब इनकी 5 बेटियाँ हैं और ये 5 बेटियों का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी बेटी जैन बेनेट, दूसरी जो बेटी है एलिजाबेथ बेनेट जो कि हीरोइन है इस स्टोरी की, इस नॉवेल की, तीसरी है मैरी बेनेट, चौथी है कैथरीन बेनेट एंड लीडिया बेनेट। तो ये 5 बहनें हैं। ऐसे क्यों देख रही हैं? ये देखो, इसमें सबसे सुंदर कौन सी है? बोले ये, तो फिर यही होगी अपनी एलिजाबेथ, है ना। हाँ मतलब अपनी, मतलब कहानी की जो हीरोइन है तो वो आपकी कौन सी होगी? यही होगी, अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब भैया ऐसा हुआ कि अब इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा इनके बारे में भी कर लेते हैं, है ना। किसके बारे में? मिस्टर बेनेट, इनका नेचर कैसा है? बोले कि अ लॉजिकल एंड रीजनेबल लेट मिडिल एजेड लैंडेड जेंटलमैन एंड द ड्राइली सार्केस्टिक पेट्रियार्क ऑफ द नाउ ड्विडलिंग बेनेट फैमिली।
थोड़े से मतलब जो है सार्केटिस्ट है और पेट्रियार्क है ज़्यादा, मतलब जैसे मिसेस बेनेट जो है ना वो बोलती है भाई इनकी शादी करवा दो, इनको अच्छा पैसे वाला मिल जाएगा, तो वो उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं इतना। बोले हाँ कर लेंगे यार, हो जाएगा, ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा विचार नहीं करते हैं, सिंपल मैन है ना, व्यवस्थित है, लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, है ना ऐसा। और मिसेज बेनेट ये जो है ये सोशल सुपीरियर है ना, वाइफ ऑफ हर द मिडिल एजेड वाइफ ऑफ हर सोशल सुपीरियर मिस्टर बेनेट एंड द मदर ऑफ द फाइव डॉटर्स, ये इन पांचों बेटियों की माँ है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जानकारी तो आपको लग गई होगी। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। देखो ये जो आप पढ़ रहे हैं ना इसको दिल से पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप इस हिसाब से पढ़ रहे हैं कि मैं रट लूँ इनको ने परीक्षा में आ जाएगा, आप पुराना पेपर उठा के देखो, पुराने पेपर में क्या है, कुछ भी क्वेश्चन बनाएंगे और उस क्वेश्चन से उठा के आपसे पूछेंगे कि भैया बताओ। ऐसे नहीं है कि मैं मतलब मैं यहाँ आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ, अब कुछ भी उठा के पूछ लिया कि भैया जो लीडिया है वो कौन से नंबर की डॉटर है ना, या किसका विवाह किसके साथ हुआ, या कब ये पब्लिश हुआ, तो इसलिए आपको मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। और लास्ट टाइम पे ऐसा हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, हमने ग्रेड वन की तैयारी लेयर थ्री नहीं करवाई थी आपको पता हो तो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे सर हमको तो केवल लिटरेचर पढ़ना है बस, ग्रामर तो सर हम पढ़ा रहे हैं सर पिछले 10 साल से। ठीक है आप पढ़ा रहे हैं वो बात आपकी सही है, लेकिन जो आप पढ़ा रहे हैं वो लेसन पढ़ाते हैं, स्कूल में क्या पढ़ाते हैं अपन, लेसन पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो हम ग्रामर पढ़ते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। आपको अगर ऐसा लगे कि नहीं सेम है तो कुछ मत करिए, आप अपनी कॉपी में ग्रामर की स्पेलिंग लिखिए, स्टेशनरी की स्पेलिंग लिखिए बस, और वो मिलाइए कि सही लिखी कि गलत, तो इससे थोड़ा सा नॉलेज होगा आपको। क्योंकि क्या होता है कि वो जो हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल अलग चीज़ है और ये जो हम पढ़ते हैं ये बिल्कुल अलग, तो ग्रामर को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, है ना। ग्रामर को आप बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमने आपके लेयर थ्री एजुकेशन के ऐप पर पूरा शानदार ग्रामर का बेसिक से कम्प्लीट कोर्स बना रखा है, काफ़ी सारे लोग उसमें पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें इनरोल कीजिए और आराम से पहले चैप्टर से पढ़ना शुरू कीजिए, और फिर आप देखिए आपको आगे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और आपको नई नई चीज़ें भी मिलेंगी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, है ना। क्योंकि 60 नंबर का ग्रामर आया था पिछली बार और 40 नंबर का लिटरेचर आया था, 40 से 45 का, और ये भी ऐसा आया कि किसी को समझ नहीं आया कि भाई कहाँ से पूछा था। तो जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं वो सब ग्रामर की बदौलत सिलेक्ट हो गए, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए नौकरी लगाना, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ाएं, तो ग्रामर आप ध्यान दीजिएगा प्लीज़, है ना, समय निकाल के पढ़िए, और अगर आपको समय नहीं मिलता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेयर थ्री एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए और उस पर आपके लिए मैंने कंप्लीट कोर्स बना रखा है ना, उसमें पीडीएफ भी है, वीडियो लेक्चर है शानदार, ये लेयर थ्री एजुकेशन ऐप है, ठीक है। अगर कोई आपको परेशानी आती है उसमें तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं, 9977651282, ठीक है। हालांकि ये जो पीडीएफ है आपका, ये पूरा मैं आपका ऐप पे अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डायरेक्ट आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि यूँ आप कहाँ से लेंगे इसको, है ना। तो लेयर थ्री एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप जाएंगे ना तो इंग्लिश लिटरेचर कंटेंट करके लिखा है, तो डायरेक्ट क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में ये जो फाइल है ये पूरी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अब थोड़ी सी बात करते हैं जैन बेनेट के बारे में। जैन बेनेट कौन है, ये सबसे बड़ी बेटी है ना। एक सेकेंड, अब देखिए ये जो जैन बेनेट है ये सबसे बड़ी बेटी है, जिसका विवाह, अभी विवाह की बातें चल रही है घर में, है ना, वो जो मिस्टर बिंगले जो आए हुए हैं, है ना, नीदरफील्ड में रुके हुए हैं उनके लिए। तो द एल्डेस्ट बेनेट सिस्टर, शी इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्यूटिफुल यंग लेडी इन द नेबरहुड एंड इज इंक्लाइंड टू सी ओनली द गुड अदर्स बट कैन बी परसुएडेड अदरवाइज ऑन द सफिशियंट इन्वेंट। मतलब कि ये जो जैन बेनेट है ये बहुत अच्छी है, सुंदर भी है, ये दूसरों में अच्छा ही दिखती है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो दूसरों में बस बुराई दिखती है उनको, अरे बोले अरे ये कोई परीक्षा में आएगा क्या, ऐसा आता तो फिर क्या है। एक ये देखते हैं कि यार ठीक है चलो ये जो है कम से कम ये अपने को नॉलेज नहीं है, पढ़े तो सही, क्या है। दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। तो ये किस प्रकार की है, ये इस प्रकार की है कि यार ये जो भी कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, पॉजिटिविटी देखती है। द पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका कि ऐसा आदमी जो हमेशा ब्राइट चीज़ें देखता है, दैट इज़ कॉल्ड ओमनीपोटेंट, दैट इज़ कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको, अच्छा सा, द पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स ऑप्टिमिस्ट एंड डार्क साइड ऑफ द थिंग्स पेसिमिस्ट। और जो ओमनीपोटेंट होता है, ओमनीपोटेंट कौन होता है, हु इज़ ऑल पावरफुल, जो सब
सबसे ज़्यादा शक्तिमान होता है। एक होता है ओमनीवोरस हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा जाता है। एक होता है हु नोज एवरीथिंग, ओमनीसाइंट। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे क्या है कि शी फॉल्स इन लव विथ चार्ल्स बिंगले, इसके बाद में ये चार्ल्स बिंगले के साथ फॉल इन लव हो जाता है ना। बस फॉल इन लव का मतलब जानते हैं, प्यार में पड़ जाना। अ रिच यंग जेंटलमैन रिसेंटली मूव टू हर्टफोर्डशायर एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ मिस्टर डर्सी, मिस्टर डर्सी के क्लोज फ्रेंड है मिस्टर बिंगले, याद रखिएगा, आगे सबकी बातें चलेगी। एलिजाबेथ बेनेट दूसरे नंबर की है ना, सेकेंड एल्डेस्ट ऑफ द बेनेट डॉटर्स। शी इज अट्रैक्टिव, विटी एंड इंटेलिजेंट, बट विद अ टेंडेंसी टू फॉर्म टेनेशियस एंड प्रेजुडाइज फर्स्ट इंप्रेशन। मतलब कि ये थोड़ी सी, ये है तो बहुत चतुर होशियार है, पर थोड़ी सी मतलब जैसे बोलते ना, किसी का कुछ अगर बुरा होता हुआ देखते हैं तो अपने को एकदम से दया आ जाती है, दया भाव रखने वाली है ना। तीसरी है मैरी बेनेट, द मिडिल बेनेट सिस्टर, ये बीच वाली है, दो इधर ने बीच में मैरी है ना, याद रख लेना, दो इधर है ने बीच में कौन है, बीच में मैरी है ना। द एंड द प्लेनेस्ट ऑफ हर सिबलिंग, मैरी हैज़ अ सीरियस डिस्पोजिशन एंड मोस्टली रीड्स एंड प्लेज म्यूजिक, इसको म्यूजिक का और जो है रीडिंग करने का बहुत शौक है ना, और डिस्प्ले हर अकम्प्लिशमेंट एंड इज़ रेदर वैन अबाउट देम। तो मतलब वही कि इसको थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह का पढ़ने का बहुत शौक है, ये तीसरे नंबर पे आती है। चौथे नंबर पे कौन आती है, ये सारे नोट्स आप अपने इसमें मोबाइल में सेव कर लेना वहाँ से ना। कैथरीन, कैथरीन कीटी भी बोलते हैं इसको, कैथरीन कीटी बोनेट बेनेट, ये फोर्थ बेनेट डॉटर है, ठीक है। ये लीडिया से ओल्डर है ना, लीडिया से बड़ी है, लीडिया पाँचवें नंबर पर जाएगी। और शी इज़ हर शेडो एंड फॉलो हर इन द परसुइट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द मिलिटिया। शी इज़ हाउएवर शी इज़ ऑफन पोर्ट्रेड एज एनवियस ऑफ लीडिया एंड इज डिस्क्राइब्ड एज अ सिली यंग वुमेन, ठीक है। तो ये जो है कैथरीन, ये कितने नंबर पर आती है आपके, चौथे नंबर पर आती है। ये जो है ये लीडिया से थोड़ी सी बड़ी है ना, लीडिया इसे फॉलो करती है क्योंकि ये लीडिया की बड़ी बहन है। इट इज़ सेड दैट शी इम्प्रूव्ड व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम लीडियाज इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू जेम्स एडवर्ड ऑस्टिन लैंग मेमोर ऑफ जेन ऑस्टिन। किटी लेटर मैरिड अ क्लर्जीमैन हु लिव्ड नियर पेम्बर्ली, ठीक है। ये जो अपने क्या नाम है इसका, कैथरीन, ये क्लर्जीमैन से शादी करती है जो कि कहाँ पर रहता है, पेम्बर्ली के पास में रहता है। बोलो, याद रहेगा इतना सा, इसको अभी और जो है बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। इसके बाद में बात करें तो लास्ट बची है लीडिया, द यंगेस्ट बेनेट सिस्टर, ये सबसे छोटी छोटी है ना, और थोड़ी सी हेड स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी एडमेंट है, अड़ियल टाइप की है ना। हेड स्ट्रॉन्ग का ये सिनोनिम याद रखिएगा एडमेंट, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। एक इसको स्टबन भी बोलते हैं हम, स्टबन आपने वो जीत मूवी देखी होगी ना, अगर इस चौखट पर बारात आई तो डोली की जगह अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पे सेहरा होगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। वो उस मूवी में कैसा रहता है, वो स्टबर्न रहता है, जिद्दी रहता है, एडमेंट अड़ियल रहता है, उसको म्यूलिश भी बोलते हैं, म्यूलिश, हेड स्ट्रांग, जिसको स्ट्रांग हेड स्ट्रांग होता है, म्यूलिश, स्टबर्न है, एडमेंट। और एक और अच्छा सा वर्ड था ऑब्ड्यूरेट, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, आपकी जो ग्रामर आएगी ना उसमें ये चीज़ आएगी, वोकेबलरी, ठीक है। आगे बात करें थोड़ी सी और, अब इसके बाद में अब आपका शुरू होता है यहाँ सर, यहाँ से कहानी। एट अ बॉल द फैमिली इज इंट्रोड्यूस टू द नीदरफील्ड पार्टी, वहाँ पे नीदरफील्ड में जो पार्टी होती है वहाँ पे फैमिली जाती है पूरी, है ना, जो है वो बहनें वगैरह सब जाती है वहाँ पर पार्टी, इंक्लूडिंग मिस्टर बिंगले, जहाँ पे मिस्टर बिंगले भी होते हैं, हिज टू सिस्टर, उनकी दो सिस्टर होती है, और साथ में मिस्टर डर्सी जो उनके दोस्त हैं, हिज डियरेस्ट फ्रेंड जो उनके दोस्त हैं। ये जो लिखा हुआ है हिज डियरेस्ट फ्रेंड, इसको बोला जाता है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का अर्थ होता है कि जो नाउन के बारे में कुछ बताता है, जिसको जैसे मेरा नाम है श्याम मुजाउदिया, फिर आगे कॉमा करके एन इंग्लिश टीचर, तो एन इंग्लिश टीचर ये क्यों लिखा, बोले ये नाउन इन अपोजिशन, जो नाउन के बारे में कुछ बताता है। मिस्टर बिंगलीज फ्रेंडली एंड चेयरफुल मैनर अर्न्स हिम पॉपुलरिटी अमंग द गेस्ट। जो मिस्टर बिंगले है उनका नेचर कैसा है, बोले हाँ हाँ भैया और कैसे, अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा आप आए, अरे हाँ सर 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 भाई आ ही रहा हूँ बस दो मिनट। तो लोग देखते हैं वाह यार चेयरफुल, एक चेयरफुल होता है, और एक आपने देखा होगा इसका उल्टा, सड़ा मुंह करके खड़े रहते हो शादियों में,
उनको पता ही नहीं रहता, धीरे धीरे उनका मुंह ऐसा ही हो जाता है, उनको लगता है ऐसा ही रहना है, मतलब अपने किसी से बातचीत नहीं करना है, हंसी नहीं आ जाए एकदम चेहरे पे, कभी हंसने से मान लो एकदम खून बढ़ जाए तो क्या कर लो आप, एकदम बाहर निकलने लग जाए खून। तो इस प्रकार के लोग होते हैं। ही अपियर्स इंटरेस्टेड इन जेन, वो जो मिस्टर बिंगले है ना, है ना, ये मिगले नहीं है, ये तो अपने वो दो ही पार्टी में बातचीत, ये लड़ रहे दो ही जाने, बाद में बताएंगे। तो वो जो मिस्टर बिंगले होता है वो जेन जो है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कि भैया बढ़िया अच्छी लड़की है। द एल्डेस्ट बेनेट डॉटर, वो जो बेनेट डॉटर में सबसे बड़ी जो है, मिस्टर डार्सी रेप्यूटेड टू बी ट्वाइस एज वेल्दी एज मिस्टर बिंगले इज हॉटी एंड अलूफ कॉजिंग अ डिसाइड डिसलाइक ऑफ हिम। इसके बाद देखिए, मिस्टर डार्सी रेप्यूटेड टू बी ट्वाइस एज वेल्दी एज मिस्टर बिंगले, वो जो मिस्टर डार्सी है वो बहुत ही रेप्यूटेड है ना, पैसे वाले भी हैं, पैसे भी बहुत हैं, हॉटी है थोड़ा सा, है ना, हॉटी मतलब घमंडी टाइप, है ना। इसके बाद में ही डिक्लाइंस टू डांस विथ एलिजाबेथ, वो जो अपने वो होते हैं क्या नाम, मिस्टर बिंगले, वो मिस्टर डार्सी के पास जाते हैं। जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है शादी में, तो मैं हम लोग दोस्त कैसे बात करते हैं कि देख कितनी बढ़िया लड़की है, है ना, जा डांस कर ले साथ में, है ना, ऐसे होता है नॉर्मली, बोले जा डांस कर ले, तू भी डांस कर ले जा साथ में, तो ऐसे वो उनको बोलते हैं। देखो ये यहाँ बातचीत कर रहे हैं, अब ये जो है ये इनको बोल रहे कि बोले देख ये बैठी है यहाँ पे, तो जा तो सही डांस तो कर। तो जब वो ऐसा बोलते हैं ना तो क्या होता है कि एक सेकेंड, हाँ, तो होता क्या है, ही डिक्लाइंस टू डांस, कौन, मिस्टर डार्सी डिक्लाइंस टू डांस, बोले यार भाई मेरे को नहीं करना है, बोला कि देखो वो एक लड़की बैठी है जो अपने है ना जेन बेनेट, इसकी छोटी बहन है, एलिजाबेथ नाम है उसका, देख कितनी सुंदर है, जा डांस कर साथ में। तो वो बोलते हैं कि वो डिक्लाइन कर देते हैं, मना कर देते हैं। द सेकेंड एल्डेस्ट बेनेट डॉटर, शी, फिर क्या बोलते हैं बताए, ये एग्जाम में आता है कि ये किसने कहा था कि शी इज़ नॉट हैंडसम इनफ, कि इतनी ज़्यादा भी खास नहीं है। अब वो सुन लेती है, एलिजाबेथ सुन लेती है इस बात को, तो सुन लेती है तो वो नाराज़ हो जाती है इस चीज़ को लेके, बोले यार कैसा आदमी है यार ये, मतलब ठीक है मान लो मैं सुंदर नहीं हूँ फॉर एग्जांपल, तो क्या ये बोलना ज़रूरी है ऐसे, है ना। तो वो बोलता है कि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, मैं को नहीं करना है। ऑल दो शी जॉक्स अबाउट विथ हर फ्रेंड, है ना, एलिजाबेथ इज डीपली ऑफेंडेड, वो ऑफेंड हो जाती है, बोले यार किसे किसे लोग इस दुनिया में यार। डिस्पाइट दिस फर्स्ट इंप्रेशन, मिस्टर डार्सी सेक्रेटली बिगिन्स टू फाइंड हिमसेल्फ ड्रॉन टू एलिजाबेथ एज दे कंटिन्यू टू एनकाउंटर ईच अदर एट सोशल इवेंट्स अप्रिशिएटिंग हर वीट एंड फ्रेंकनेस। ये यूँ बोल रहा है कि हालांकि उसने उस समय मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना, एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं, है ना, तो वो थोड़ा सा आगे आएगा। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन, जो पहली बार में ऐसा होता है, क्योंकि ये खास बात है कि जब वो पहली मुलाकात हुई थी उनकी, तो उस समय किसका क्या रिएक्शन था और किसने किसको क्या बोला था, तो ये कोटेशन अभी मैं बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पहली बार में ऐसा हुआ था कि उन्होंने डांस करने से मना कर दिया, बोले कि इतनी सुंदर भी नहीं है, मुझे नहीं करना है, तुमको करना हो तो कर लो, ऐसे करके, है ना। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे देखिए आपको कुछ कोटेशन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इस नॉवेल में कम से कम 50 से 60 कोटेशन है, लेकिन कुछ कोटेशन जो कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जब इन्होंने बोला कि जा उनके साथ वो जो बेटी है उसके साथ डांस कर ले, तो इन्होंने क्या बोला कि शी इज़ टॉलरेबल आई सपोज बट नॉट हैंडसम। हाँ ठीक है वो लड़की है, लेकिन इतनी हैंडसम भी नहीं है कि मैं उसके साथ डांस करूँ, कि इतनी हैंडसम भी नहीं है कि इनफ टू टेम्प्ट मी, कि वो मेरे लायक नहीं है, है ना, मैं मुझे इतनी सुंदर नहीं लगी, तो ऐसा इन्होंने बोला था। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखिए, शी इज़ टॉलरेबल आई सपोज बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी, ये किसने कहा था, ये मिस्टर डार्सी ने कहा था। किसके लिए कहा था, एलिजाबेथ के लिए कहा था। किसको कहा था, मिस्टर बिंगले को कहा था, वो उन दोनों की बातचीत चल रही थी। ठीक है, आगे इतना बड़ा भी आ सकता है, कभी तो सेम ही है। आई एम इन नो ह्यूमर एट प्रेजेंट टू गिव कॉन्सिक्वेंस टू यंग लेडीज हु आर स्लाइटली बाय अदर्स मैन, एंड यू हैड बेटर रिटर्न टू योर पार्टनर्स एंड एंजॉय अ स्माइल फॉर यू आर वेस्टिंग योर टाइम विथ मी। तो उन्होंने बोला मिस्टर डार्सी ने कि एक काम कर, तू वो इतनी सुंदर भी नहीं है, तो एक काम कर तू जा तेरी पार्टनर के साथ जा, है ना, बढ़िया हो, मुस्कुराओ और मेरा टाइम मत खराब करो और तेरा भी टाइम मत खराब कर, तू उधर जा मुस्कुरा और नाच। ठीक है, ऐसा। तो ये
कब कहा गया था? तो मिस्टर डार्सी सेज दिस टू मिस्टर बिंगले अबाउट एलिजाबेथ बेनेट व्हेन बिंगले ट्राइज टू परसुएड हिम. परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना. परसुएड का मतलब क्या होता है? किसी को किसी चीज़ के लिए फुसलाना, बहलाना, मनाना. ऐसा डार्सी क्लेम दैट एलिजाबेथ इज नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट हिज टर्न्स आउट टू बी वेरी आयरोनिक सिंस ही एंड्स अप फॉलिंग इन लव विथ हर एंड मैरिंग हर. हालांकि वो अलग बात, बाद में दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन की बात यहाँ पर हो रही है. बट व्हेन ही फर्स्ट मीट्स हर डार्सी लुक्स डाउन हिज नोज एट एलिजाबेथ विदाउट नोविंग हर. मतलब बिना उसे जाने, मतलब पहले उसको जानो तो सही, एलिजाबेथ को कितनी बढ़िया है वो, तुमने बिना जाने कह दिया कि अरे मुझे नहीं करना है, तुम तेरे को करना हो तो कर ले. तो कई बार जीवन में हमारे भी ऐसा हो जाता है कि हम बिना किसी को जाने, वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. कई बार हम देखते हैं ऊपर कवर पे लिखा हुआ है मान लो गोदान. अरे बोले क्या है ये, क्या है गोदान, कुछ भी. बोले पढ़ी थी गोदान. बोले नहीं पढ़ी, जा पढ़. फिर जब हम पढ़ने बैठते देखो सही क्या है, फिर पता चलता हुआ यार मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या लिखा है ये. ठीक है, आगे बात करते हैं. एक और कोटेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है यू आर टू जनरस टू ट्रिफल विथ मी इफ योर फीलिंग्स आर स्टिल व्हाट दे वर लास्ट अप्रैल टेल मी सो एट वंस. ये किसने किसको कहा था? ये उस समय तो फर्स्ट इंप्रेशन में तो ऐसा हो गया था, लेकिन बाद में ऐसा भी समय आया था कि जब मिस्टर डर्सी ने एलिजाबेथ को कहा था कि क्या तुम्हारी फीलिंग वैसी है जैसी पहले थी उस समय अप्रैल में, है ना. और फिर ये भी बोला था कि माय अफेक्शन विशेस आर अनचेंज. देखो मेरा जो अफेक्शन है, प्रेम है, वो तुम्हारे प्रति चेंज नहीं हुआ है. बट वन वर्ड फ्रॉम यू विल साइलेंस मी ऑन दिस सब्जेक्ट फॉर एवर. पर एक बार तुम मुझे कह दो कि नहीं मैं तुमसे, मेरी जो है मैं अब चेंज हो चुकी हूँ यार, मुझे तुमसे वो फीलिंग नहीं है, तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, मैं फिर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा. ये किसने कहा था? मिस्टर डर्सी ने कहा था. किससे कहा था? एलिजाबेथ से कहा था. समझ गए? तो ये है कोटेशन जो आपसे पूछा जाएगा कि किसने किससे कहा था ये बात. तो ये बात कही थी मिस्टर डर्सी ने एलिजाबेथ से कि क्या तुम अभी भी वैसी हो, क्या अभी भी मेरे प्रति आपके मन में प्रेम है, ऐसा. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं. अच्छा, ये कुछ चैप्टर ख़त्म नहीं हो गया है, ये ख़त्म होने जैसी चीज़ है ही नहीं, है ना. हाँ, ये ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए, तो पढ़ा करो, पढ़ा करो, बस पढ़ा करो, ऐसा है. पर ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इस वीडियो में क्या क्या लेके आया हूँ पता है, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगला वीडियो इसी पर डिपेंड करता है कि आपके कमेंट्स जो है वो इसको लेकर कैसे आते हैं, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, कंटेंट कैसा है. तो ये क्योंकि इसको बनाने में, वीडियो तो जैसे आधे घंटे में बन जाता है, लेकिन इसका मैटर निकालने में कम से कम 12 घंटे लगते हैं, क्योंकि आपके लिए पुराने पेपर देखना, इससे रिलेटेड क्या पूछा गया था, वैसी चीज़ें निकालना या क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें. तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इसमें इस कहानी को ख़त्म करने में कम से कम 5 से 6 पार्ट बनेंगे, है ना. तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसा लगा. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और अब आपको पढ़ाई शुरू करना है, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाली है. ये PDF आप Layer 3 एजुकेशन के ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा. और हाँ, एक और वहाँ पर आपके लिए Grade 1 के लिए कम्प्लीट कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट उसमें इनरोल है. तो आप लिटरेचर आपका इधर चलता रहेगा, है ना, लेकिन आप प्लीज़ ग्रामर स्टार्ट कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना. उसके लिए आपको वहाँ पे कोर्स बाय करना पड़ेगा, शानदार कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का. थैंक यू सो मच.